स्टूडेंट्स 10th क्लास, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छी होंगे और सभी सेफ हैं। ओके बेटा, बेटे आज हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो बेटा आपके बुक में पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 79। तो आपकी बुक का पेज नंबर 75 में चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बेटा हमारे जितने एलिमेंट्स साइंटिस्ट ने खोजे थे, उन एलिमेंट्स को एक किस तरीके से कैसे अरेंज करना गया ये बताया गया है इसमें, ठीक है? कैसे अरेंज किया गया, जैसे क्या टेबल में रखा है, कैसे करा है, ये सब कैसे अरेंज करना है इनको, ये साइंटिस्ट ने खोजा। और उन्होंने एक खोजा क्या, उन्होंने एक टेबल बना दी कि इनको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, इसके बाद ये आएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको डिवाइड करना शुरू कर दिया, और एटॉमिक नंबर के आधार पर उनको डिवाइड करना शुरू कर दिया। ओके बेटा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इन चैप्टर 9 वी हैव लर्न दैट मैटर्स अराउंड अस इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि हमारे चारों तरफ जो एलिमेंट्स पाए मैटर्स पाए जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं, कंपाउंड होते हैं, मिक्सचर होते हैं, एंड एलिमेंट कंटेन्स एटम ऑफ ओनली वन टाइप। और जो एलिमेंट होता है उसके अंदर सिर्फ एक तरह का ही एटम पाया जाता है। डू यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नोन ऑल टिल डेट? क्या आपको पता है कि फिलहाल कितने एलिमेंट्स हमारे नोन में हैं? ठीक है, एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। तो बेटा आप इसको मार्क कीजिए कि अब हमारे नोन में कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। 118 elements known to us, elements known to us। अब हमारे पास 118 elements हैं जिनको हम जानते हैं, टेबल में बताए गए हैं। ओनली 95 आर नेचुरल अकरिंग। इसमें से 95 एलिमेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। 95 आर नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स हैं। एज डिफरेंट एलिमेंट्स वर बीइंग डिस्कवर्ड, साइंटिस्ट गैदर्ड मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट। इसके बाद साइंटिस्ट जैसे हैं एलिमेंट्स वॉज बीइंग डिस्कवर्ड, जैसे ही एलिमेंट डिस्कवर्ड होते हैं उसके आधार पर एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस साइंटिस्ट निकालने की कोशिश करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज एलिमेंट्स, किसके ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनमें से कुछ उनकी खूबियाँ निकालनी शुरू करते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर वो ढूंढने की भी कोशिश करते हैं और नई प्रॉपर्टीज़ उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं साइंटिस्ट। ओके बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी विच इज़ लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट विद ईज। लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं अब हम। ओके, जो इसमें बताया है फिलहाल हम देखते हैं बेटा क्या बोला गया है इस चैप्टर में। मेकिंग ऑर्डर ऑफ चॉइस अर्ली अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके बेटा, 5.1 वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग बींग्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया है। इवन इन द अदर सिचुएशंस वी कम अक्रॉस इंस्ट्रक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बेस्ड ऑफ सम प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल इन शॉप्स आर केप्ट टुगेदर वन प्लेस व्हाइल बिस्किट्स एंड। ओके बेटा देखिए, एक शॉपकीपर के पास आप जाते हैं, शॉपकीपर से आप कुछ सामान लेते हैं तो देखते हैं वो कहाँ एक प्रॉपर जगह में जाकर उसको निकाल के लेके आता है, या आप एक मेडिसिन की शॉप पे जाते हैं।
जाते हैं तो कोई मेडिसिन लेनी है तो एक जगह से प्रॉपर, वो क्या करता है शॉपकीपर, जो एक ही कैटेगरी की चीज़ें हैं वो एक साइड रखता है, दूसरी कैटेगरी की साइड दूसरी साइड, इस तरीके से वो अरेंजमेंट करते हैं। तो इसी अरेंजमेंट के आधार पर ही एलिमेंट्स को भी क्लासिफाई करने की कोशिश की गई है। ओके, साइंटिस्ट ने करने की कोशिश की थी। ओके बेटा, शॉप्स सोप्स आर कैप्ट टुगेदर इन अ प्लेस वाइल बिस्किट्स आर कैप टुगेदर इन एल्सवियर। कहीं शॉपकीपर ने बिस्किट कहीं रखे, शॉप सोप कहीं रखी, डिटर्जेंट कहीं रखे थे, टॉफीज कहीं, इसी तरीके से एलिमेंट्स को रखने की कोशिश करी थी। इवन अमंग सिमिलरली साइंटिस्ट में सर्वल अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑब्टेन एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ देयर चोज। The earliest attempt to classify the element resulting in grouping the known element as metal as known metals, later further classify was tried out as our knowledge of element and their properties increased। और इसके बाद उन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स की जब खोज करी तो उन्होंने मेटल्स को अलग करा, नॉन मेटल्स को अलग करा, मेटलाइड्स को अलग करा, इस तरीके से टेबल तैयार करने की कोशिश की। ओके बेटा, डोमिनर्स ट्रेड, उसके बाद हम पढ़ते हैं डोमिनर्स ट्रेड, उन्होंने क्या करा। डोमिनर्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कैसे क्या करा, इन ईयर 1817 ईयर्स में क्या करा, जॉन्स वर्ल फेगन्स डेल्फू डेनियर जर्मन साइंस केमिस्ट, ये जर्मन केमिस्ट थे, इन्होंने ट्राई टू अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन टू ग्रुप, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को एक ग्रुप में इन्होंने डालना शुरू करा। डोमिनोज ने क्या करा, एक ही प्रॉपर्टीज जिसकी थी एक ही तरह के थे उनको एक ग्रुप में डालना शुरू करा। ही आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स हैविंग दीज थ्री एलिमेंट्स ईच, और एक ग्रुप में थ्री एलिमेंट्स डाल दें, सो ही कॉल दीज ग्रुप्स ट्रेड्स, उनको फिर दीज ग्रुप्स को बोला उन्होंने ट्रेड बोलना बोला। ओके, डोमिनर शोज दैट व्हेन द थ्री एलिमेंट्स इन दी ट्रेड वर रिटन इन ऑर्डर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उनको रखा, एटॉमिक मासेस इन द मिडल एलिमेंट वाज रफली एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ देयर टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स की एटॉमिक मासेस एक साथ एक ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालने ही शुरू करी। तीन ग्रुप बनाए, देखिए बेटा आपके बुक में यहाँ पे है पेज नंबर 80 पे, देखिए ये देखिए तीन ग्रुप बनाए, ग्रुप ए बी सी, तीन ग्रुप में इन्होंने डिवाइड करा, ग्रुप ए एलिमेंट ग्रुप बी, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी जो एटॉमिक मासेस थे वो इंक्रीज करते हुए उन्होंने शो ऑफ करा था कि उनके एटॉमिक मासेस कैसे होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। और मिडल में क्या डाला गया, मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स, और जो बीच का था वो क्या करा, एवरेज एटॉमिक मासेस के आधार पर डाला कि टू एटॉमिक मासेस के एवरेज एटॉमिक मासेस निकाल कर जब उनको ऐसे रखना शुरू करा। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल टेक द ट्रेड कंसिस्टिंग ऑफ हीलियम सोडियम, हीलियम और सोडियम का लिया एंड पोटेशियम, हीलियम सोडियम और पोटेशियम को उन्होंने लिया विद रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस 6.9, 23, और 39, वॉट इज द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम, हाउ डज कंपेयर विद दिस एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम, और उसको किस तरीके से कंपेयर किया सोडियम के साथ। ठीक है बेटा, तो ये मासेस लिए डोमिनर्स ने और उनके फिर मास को जो बीच में था उसके मासेस से उसको कंपेयर करना शुरू करा। ओके बेटा, तीन तीन के ग्रुप में, तीन से ज्यादा इन्होंने नहीं डाला था डोमिनर्स ने, और इनको नाम क्या डाला गया, इनको एलिमेंट उस वक्त नाम नहीं दिया था, उस वक्त इनको नाम क्या दिया गया, ट्रेड्स नाम दिया गया एलिमेंट्स को। ठीक है,
ठीक है बेटा, एलिमेंट्स का नाम उस वक्त इन्होंने क्या डाला, ट्रेड डाला, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम था। निकलता था और इनके एलिमेंट्स के, अब हम इसको एलिमेंट्स बोलते हैं लेकिन उस वक्त इसको क्या बोला जाता था, ट्रेड्स, TRAIDS, ट्रेड्स। ओके, एलिमेंट को उस वक्त क्या बोला जाता था, एलिमेंट्स को उस वक्त ट्रेड्स बोला जाता था डोमिनेंस के टाइम पर। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, डोमिनेंस ने दी थी, डोमिनेंस ने क्या करा था, तीन तीन एलिमेंट्स को रखा था अपनी कैटेगरी में और दो का फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज था वो इससे कंपेयर करा बीच वाले से, और उस वक्त एलिमेंट को क्या नाम दिया गया, ट्रेड्स नाम दिया गया। ओके बच्चे, एलिमेंट्स को उस वक्त क्या नाम दिया गया, ट्रेड्स नाम दिया गया। Now you will find the group B, C from dominance trait. Dominance could identify only three traits only of the element known as the as that time. Hence, this system of classification into traits were not found to be useful. और कुछ elements ऐसे थे उस time पे ये पाया गया कि useful वो traits नहीं थे. Okay. न्यू लेंस ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद जो थ्योरी दी थी डोमिनेंस ने एलिमेंट को क्या नाम दिया था, ट्रेड्स का नाम दिया था। उन्होंने क्या करा था, थ्री एलिमेंट्स में डिवाइड किए थे, ठीक है, अपना जो थ्योरी थी थ्री एलिमेंट्स, थ्री ग्रुप बनाए थे, थ्री ग्रुप ही डाले गए थे, थ्री ग्रुप से ज़्यादा नहीं थे, और जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट थे उनकी जो ट्रेड्स थे, हम उस वक्त ट्रेड्स की बात करेंगे, एलिमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको उस टाइम पर क्या बोला जाता था, ट्रेड्स बोला जाता था। फर्स्ट और लास्ट की जो एवरेज थी वो बीच वाले से कंपेयर होती थी। ओके, उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आए, न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, फिर उसके बाद न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके बच्चा, न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव की थ्योरी, ट्रेड्स डोमिनेंस के बाद न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके बच्चा, न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव ने क्या करा था, अपनी जो थ्योरी थी वो म्यूजिकल, जैसे सारा गामा पा धानी सा उस तरह से होता है, सारे गामा पा धानी सा, उसके आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी डाली। ओके बेटा, उस एट देखिए अपनी बुक में पेज नंबर 81 पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ठीक है, इस आधार पे सा रे गा मा पा ध नी सा ऐसे डाली उन्होंने अपनी, ठीक है बेटा, थ्योरी, इस थ्योरी के जैसे हमारे अभी ये सारे गा मा पा ध नी सा है, म्यूजिकल जो हमारे थे नोट्स थे उसके आधार पर उन्होंने अपनी थ्योरी बनानी शुरू करी। ओके, न्यूलेंस ऑफ ऑक्टेव, फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट को टेबल में डिवाइड किया था, वो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की वो दी किसने, डोमिनेंस ने, और उसके बाद आती है दूसरी थ्योरी न्यूलेंस ऑफ ऑक्टेव। ओके बच्चा, न्यूलेंस ऑफ ऑक्टेव, आप ये दो थ्योरी अच्छे से करेंगे आज, न्यूलेंस ऑफ ऑक्टेव, द अटेम्प्ट्स ऑफ डोमिनर इंक्रीजमेंट other elements of correlations, the properties of element with their atomic masses. In अब जो डोमिनेंस ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी वो ये दी थी कि जो फर्स्ट और लास्ट के एटॉमिक मासेस थे उनकी एवरेज जो आती थी बीच वाली प्रॉपर्टी से मैच खाती थी, इसलिए इस आधार पे उन्होंने अपनी टेबल बनाई थी। लेकिन न्यूलेंस ऑफ ऑक्टेव के बाद इनके बाद न्यूलेंस ऑफ ऑक्टेव आए, जॉन्स न्यूलेंस ऑफ इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये, अरेंज द नोन एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी है एटॉमिक मासेस। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करी, लोएस्ट एटॉमिक मासेस से, जो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से स्टार्ट करी और एंड थ्योरियम पे करा। स्टार्ट हाइड्रोजन से करा इन्होंने अपनी थ्योरी और एंड थ्योरियम पर करा, हाइड्रोजन से स्टार्ट करके थ्योरियम पे, विच वॉज 56 एलिमेंट। और इस टाइम पर कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 56 एलिमेंट थे, ठीक है। ही फाउंड दैट एवरी 88th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। इन्होंने ये फाइंड आउट करके बताया कि जो आठ आठ के उसमें डिवाइड करने शुरू कर दिए एलिमेंट, और फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करती हुई बता दी। जो लास्ट एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती थी, फर्स्ट एलिमेंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी मैच करती थी। उन्होंने ये पाया कि फर्स्ट लास्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट हैज़ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। जो एट्थ एलिमेंट थी उसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करती पाई उन्होंने, फर्स्ट के साथ। ही कंपोज टू द ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक, और ऑक्टेव म्यूजिक, ऑक्टेव आठ होते थे, आठ आठ में डिवाइड करना शुरू करा था, तो इसलिए इसका नाम ऑक्टेव भी बोलना शुरू करा इन्होंने, ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव फाउंड इन म्यूजिक। जैसे म्यूजिक हमारे म्यूजिक्स होते हैं वो आठ आठ उसमें डिवाइड होते हैं, उस तरीके से इन्होंने डिवाइड करने शुरू करे, देयरफॉर दिस कॉल्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसलिए इस लॉ को क्या बोला, लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्या बोला इस लॉ को, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव बोला, ओके। इट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी इसको हम बोलते हैं। द न्यूलैंड ऑक्टेव, द प्रॉपर्टी ऑफ लीथियम एंड द सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम। लीथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल कैसी पाई गई, सेम पाई गई, ओके। लीथियम एंड द सोडियम वर फाउंड टू बी द सेम, सोडियम ऑफ द एट्थ एलिमेंट आफ्टर लीथियम, सोडियम जो है लास्ट एलिमेंट है लीथियम के बाद, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सेम पाई गई। सिमिलरली बेरियम एंड मैग्नीशियम रिजेंबल ईच अदर, इसी तरीके से बेरियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी भी सेम पाई गई एज पार्ट ऑफ ओरिजिनल न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव गिवन इन द टेबल 5.3। अब ये टेबल 5.3 देखिए, इस टेबल को जो फर्स्ट एलिमेंट उसकी प्रॉपर्टी लास्ट एलिमेंट से सिमिलर पाई गई, ओके। ये टेबल के अंदर देखिए अच्छे से, तो आपने बेटा इतना ही करना है, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से इनकी वो देखनी है, न्यूलैंड्स और लॉ ऑफ ऑक्टेव। आपका इससे क्वेश्चन बनता है व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद बनता है डोमिनोज के टाइम पे एलिमेंट्स को क्या बोला जाता था, व्हाट वी कॉल द एलिमेंट एट द टाइम ऑफ अ डोमिनोज, डोमिनोज के टाइम पे हम एलिमेंट को क्या बोलते थे, ट्रेड्स बोलते थे। अच्छा, डोमिनोज के टाइम पर हम एलिमेंट को क्या बोलते थे, ट्रेड्स बोलते थे। और न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव में व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव में प्रॉपर्टी ये थी कि जो लास्ट एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती थी, मैच करती थी, इसलिए इसको हम न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव भी बोलते हैं। और एट एट एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया था ग्रुप में, सारे गामा पाधा निसा, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे जैसे होते हैं उसके उदाहरण पर इन्होंने अपने एलिमेंट्स को डिवाइड करा था। और सारे एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एलिमेंट था, लास्ट वाले एलिमेंट और फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपस में कैसी होती थी, न्यूलैंड्स ऑफ ऑक्टेव में मैच करती थी। और इसलिए ये क्या थे, ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, ये इंग्लिश साइंटिस्ट थे, ठीक है। डोमिनोज के टाइम पे तो ट्रेड बोला गया एलिमेंट को, और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ये थ्योरी का नाम था, साइंटिस्ट के नाम पर ही थ्योरी का नाम भी डाल दिया, लॉज ऑफ ऑक्टेव भी बोल देते हैं ये इसको, डोमिनोज लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोल देते, सॉरी
लॉज ऑफ ऑक्टेव, न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव भी बोल देते हैं, या लॉज ऑफ ऑक्टेव भी इसको बोला जाता है बेटा। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं। डोबिनर्स की लिमिटेशंस क्या थी, न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस क्या थी, न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव लिमिटेशंस, एक तो डोबिनर्स की लिमिटेशन ये हो जाती थी कि इनको सिर्फ तीन तीन पार्ट्स में ही डिवाइड करा गया, उससे ज़्यादा फर्स्ट और लास्ट की जो थी प्रॉपर्टीज बीच वाले के साथ मैच करती थी मेटल के साथ, तो ये रिजम्बल नहीं करा, इसलिए ये लिमिटेशन हो गई न्यूलेंस लॉ ऑफ ऑक्टेव की, कि फर्स्ट की बहुत सारे एलिमेंट्स बाद में ऐसे होने आने लगे कि फर्स्ट लास्ट वाली की एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के साथ मैच नहीं करने लगी, ये तो लिमिटेशंस आने लगी फिर। ओके बेटा, तो आपने ये चैप्टर के दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड पेज नंबर 79, 80 यहाँ तक आप अच्छे से करेंगे, हम कल करेंगे मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल। मेंडल्स ने क्या करा था, मेंडेलिफ पीरियोडिक टेबल, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आएगी और इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम ये करेंगे, इसके साथ हमारा आज की क्लास यहीं पर एंड होती है बेटा। आगे आप अच्छे से करेंगे, आई थिंक यू आर सेफ एट योर होम, सभी आप अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। ओके बच्चे, सब ने अच्छे से रीडिंग करनी है, अपना काम करना है, अपनी कॉपीज पूरी कर रखिए, आगे आपके एग्ज़ाम्स भी होंगे और आई थिंक सो कि आप सब अच्छे से काम कर रहे हैं। ओके टेंथ क्लास, ओके बच्चे, बी केयरफुल, बी स्टे एट होम एंड डू योर वर्क केयरफुली, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम तो होने ही हैं ना, तो आप अच्छे से काम कीजिएगा। ओके बच्चे।